अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 1, 2 और थंब गियर होता है एंड ये वाला फिंगर वाला होता है। अगर हमें यहाँ का इजी चाहिए तो हमें यहाँ पर फिंगर दबानी होगी। आप लोग बोलेंगे हमें कौन सा गियर कब यूज करना चाहिए। वेल, मुझे एक टेक्निक पता है जो मैं, काफी अलग शिफ्टिंग होती है। इसमें क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट टिप है जो आपको कोई भी नहीं देगा। Hey guys, this is Patrick Webber. Well, have you recently bought a gear bicycle? आपके दिमाग में यही चीज है, क्या मैं गियर यूज कर पाऊंगा, कितने ये डिफिकल्ट होते हैं, क्या मेरी साइकिल खराब हो जाएगी अगर मैं गियर बाइसाइकिल यूज करूंगा। आप लोगों को मैं बताऊंगा गियर कैसे यूज किए जाते हैं। Exactly, एक बिगिनर टाइप की ये वीडियो होने वाली है। So, let's see, हमारी साइकिल में क्या क्या गियर्स होते हैं। When you're starting with a bicycle, किसी भी बाइसाइकिल में आप देखेंगे यहाँ पर दो साइड पे आपको गियर्स मिल जाते हैं, एक राइट साइड वाला होता है एंड एक लेफ्ट साइड वाला होता है। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 1, 2 और 3 मिलता है, दैट मीन्स फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर। आप राइट साइड पे देखेंगे यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 5, 7 पीस तक यहाँ पर आपको मिलता है। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है 3 × 7 = 21, मतलब 21 गियर शिफ्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास एक नई साइकिल आई है, दिस इज न्यू फिटट्रिप कैलपल। ये 21 स्पीड बाइसाइकिल है। इसके बारे में थोड़ा सा लास्ट में बताऊंगा, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ गियर्स क्या क्या होते हैं। तो जैसे आपने देखा ये लेफ्ट साइड होगी, ये राइट साइड होगी, आप लोगों को शायद थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा। अब एक काम करें, पीछे आ जाए, लोगों को कन्फ्यूजन थोड़ा कम होगा। अब ये लेफ्ट वाला हो गया मेरा एंड अब ये राइट वाला हो गया। तो जो आपका लेफ्ट वाला गियर है ना, वो आपके फ्रंट के गियर को एडजस्ट करता है। जैसे फर्स्ट मैंने अगर थर्ड गियर लगाया तो सबसे बड़ी चेन रिंग में चढ़ गया। फर्स्ट आपका इजीएस्ट गियर हुआ, सेकंड आपका थोड़ा सा मीडियम हुआ, थर्ड आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ। जैसे अगर आप हिल चढ़ रहे हैं तो आप फर्स्ट गियर लगा सकते हैं, दोनों फर्स्ट लगा लो। अगर आप खास स्पीड में जाना चाहते हैं तो आप डिफिकल्ट गियर लगा लो। जैसे यहाँ पे 7 गियर है लास्ट में, तो आप 7 की तरफ चले जाओ। एंड फॉर सम रीजन मेरे पीछे भैंसे हैं, बिकॉज ये बैकग्राउंड बहुत अच्छी लग रही है। और भैंसों क्या हाल है? ठीक है, देखो रिप्लाई कर, क्या बकचोदिया पेल रहा हूं मैं बिना मतलब। अब शिफ्ट करने के लिए कैसे होता है, अगर यहाँ पर पीछे आ जाओ, यहाँ पर आपका शिफ्ट अगर आप हैंड रखेंगे ना तो ये आपका थंब गियर होता है एंड ये वाला फिंगर वाला होता है। तो जैसे आपको थंब प्रेस करना है, आपने क्या करना है, इसको जोर लगा के प्रेस करना है। लेकिन आप क्या करते हैं, एक इतना सा कर देते हैं ना, तो कई बार गियर नहीं लगता है। ये सारी साइकिल में आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। लेफ्ट साइड का भी सिमिलर है, इसमें भी यहाँ पे फिंगर हो गया एंड ऐसे करके ये गियर हो गया। अब ये वाले गियर हमें कब कब यूज करने हैं, जैसे अगर हम थोड़ा इजी गियर चाहिए तो हम पीछे का यहाँ पे थंब दबा देंगे, वो फर्स्ट की तरफ चला जाएगा। अगर हमें यहाँ का इजी चाहिए तो हमें यहाँ पे फिंगर दबानी होगी, ये फर्क है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना, दोनों थोड़े से ऑपोजिट है। एंड दिस वॉज इट, इतना ईजी है गियर चेंज करना। अब आप लोग बोलेंगे हमें कौन सा गियर कब यूज करना चाहिए। सो दिस इज 1x1, जैसे अपहिल है तो मैं 1x1 यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ईजिली कर पा रहा हूँ ना। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा हार्ड गियर लगा देता हूँ। सामने 2 लग गया एंड पीछे लग गया 7। आवाज बहुत आ रही है, लुक एट दिस, चढ़ ही नहीं रही है गियर। एंड अगर थर्ड भी नहीं है, इतनी जान निकल गई है, तो इस टाइम पे ये वाला गियर यूज करना बहुत ही गलत होता है। दिस इज अ डाउनहिल, तो मैंने यहाँ पर टॉप गियर लगा दिया है एंड इजी पेडलिंग हो पा रही है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट गियर लगाऊंगा बहुत ही ज़्यादा फनी लगूंगा एंड पेडलिंग का फायदा ही नहीं होगा। चेन स्ट्रेट होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन का ग्राफ है, इसको वीडियो को पॉज करके आराम से देख लेना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको बैक पेडलिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ये दिक्कत आती है। सेकंड, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बहुत सारे गियर्स आपको एक साथ शिफ्ट नहीं करने। जैसे एक बार दबा दे तो एक बार सिंगल सिंगल करना है, अगर आप एक साथ बहुत सारे कर दोगे तो दिक्कत आ जाएगी। इवन तो आप देखते हैं मैं हमेशा मल्टीपल गियर एक साथ शिफ्ट कर देता हूं। अब मैं ऐसे कैसे गियर चेंज कर पाता हूं? वेल, मुझे एक टेक्निक पता है जो मैं आपको वीडियो के थोड़ी सी देर बाद में बताऊंगा। एक और टिप मैं आपको देना चाहता हूं, इसमें क्या होता है, जो गियर शिफ्टिंग होती है ना, वो आपसे मूविंग करते हुए करें। सो आई केम एट दिस शॉप, मैंने सोचा कि अब मार्केट में ये भी देखा जाए कि अलग अलग टाइप की कैसे शिफ्टिंग होती है। अपने ये स्टैंडर्ड वाली तो शिफ्ट देख ही ली, अब दूसरी टाइप की क्या होती है, यहाँ पर शिफ्ट होती है। पर क्या होता है, जैसे उसमें तो उंगली आपके ऊपर से होती है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, थंब एंड थंब। सो जैसे ये नॉर्मल रोडी है, रोडी में काफी अलग शिफ्टिंग होती है। इसमें क्या होता है, अगर आप 1 की तरफ जाना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे प्रेस करेंगे, एंड अगर आप 7 की तरफ जाने जाते हैं या 9 की तरफ जाने जाते हैं तो आप सिंगल प्रेस ऐसे करेंगे। एंड ये नया टाइप का आया, ये भैया खुद करके दिखाएंगे, भैया आप करके दिखाओ। मैं आपको लॉन्ग प्रेस से 7 पे जाएगी और छोटी सी सबसे ये 1 पे आएगी। अब कई बार क्या होता है, आपके गियर शिफ्ट नहीं हो पाते हैं, उसके टिप मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट टिप है जो आपको कोई भी नहीं देगा। स्पेशली जब आप अपहिल जा रहे होते हैं तब गियर शिफ्ट नहीं होते हैं, जान लगा रहा हूँ गियर शिफ्ट नहीं होते हैं। एंड कई बार आवाजें आती हैं, देखो ये आवाजें आपकी तब आती है जब बहुत ज्यादा पावर में आप गियर चेंज करते होते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आप पेडलिंग पहले बहुत ज्यादा स्पीड में कर लो और फिर धीरे धीरे पेडल करो एंड साथ में शिफ्ट मारो, इससे आपकी इजीली शिफ्ट हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसको बिल्कुल याद रखना। अगर आप नॉर्मल साइकिल चला रहे हैं, आपके फिर भी गियर पर गियर शिफ्टिंग में इश्यूज आते हैं, तो उसके लिए मैंने काफी वीडियोस बनाई हुई है। समझ लो कि गियर की केबल में ऑयल नहीं है, तब भी आपके इजीली गियर शिफ्ट नहीं होते हैं। अगर आपकी गियर की ट्यूनिंग ठीक नहीं है तो भी इश्यूज आते हैं, आप शॉप पे जाकर इसकी ट्यूनिंग करा सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा बैरल एडजस्ट करना होता है, वो मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, या फिर अगेन वो वीडियो वॉच कर सकते हैं, उसमें आपको एडजस्टमेंट का पता लग जाएगा। एंड थर्ड थिंग, कई बार क्या होता है, आपका डिरेलर हैंगर जो होता है ना, वो बेंट होता है, एंड उसकी वजह से डे की ट्यूनिंग करने के बाद भी वो ठीक से शिफ्ट नहीं करता है।
डोंट वरी, मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो लाता रहूंगा आप लोगों के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। नाउ काफी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करा, कमेंट करा, इवन यूट्यूब पे कितने सारे कमेंट्स आए कि इस वाली साइकिल का हमें रिव्यू दिखा है, एंड अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, लोगों को काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी, तो मैंने सोचा इस बार साइकिल के बारे में आपको थोड़ा सा रिव्यू दिया जाए। This is a mountain bike that comes with 21 gears and इसमें जो frame है वो aluminium का है। Aluminium के frame में क्या different होता है? This is very lightweight cycle, मतलब इसको ऐसे उठाओगे आप उठा सकते हो, one finger से उठा के देखता हूँ उठेगी कि नहीं, and look at this, फिर से उठा के देखो थोड़ा यहाँ से करो। This is so light, obviously अपने segment के हिसाब से। अब इसकी बात करते हैं इसमें कौन से gears आते हैं। So पीछे आपको मिलता है Shimano का Tourney जो कि आपका basic derailleur है, and पीछे 7 gears आपको मिल जाते हैं, एंड सामने आपको मिलते हैं 3 gears। जिसका क्रैंक है वो शिमानो लुक में आता है। द फ्रेम ज्योमेट्री दैट डेफिनेटली सूट्स मी। सेकंड, इसका जो फ्रेम है ना वो राउंड ट्यूब नहीं है इसमें, इसमें थोड़े से एजेस टाइप के हैं, तो दिस वाज काइंड ऑफ डिफरेंट, एंड शायद इसी वजह से साइकिल की लुक्स काफी ज्यादा बेटर आती हैं। Also to make this bike premium, इसमें आपको internal cable routing मिलती है। One thing that impressed me was that जो bottom bracket के पास cable है वो काफी ज्यादा देखने में अच्छी लग रही थी, एंड काफी professional look इस bicycle को दे रही थी। जब मैंने इसकी brake test करी वो काफी ज्यादा powerful थी, मैंने काफी skating भी करी। Now जो brakes हैं वो पहले से ज्यादा better हो चुकी है as compared to other fit trip। Now, इसमें एक और अच्छा फीचर मिलता है, सामने आपको मिल जाता है सस्पेंशन लॉकआउट। Now, what is that? जैसे सस्पेंशन को ऐसे करके लॉक कर देते हैं, so, अगर आप ब्रेक दबाएंगे इसको प्रेस करेंगे ये प्रेस नहीं होता है, आप इसको अनलॉक कर देते हैं ये प्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। इसका क्या फर्क पड़ा? जैसे आप रोड राइडिंग कर रहे हैं आप इसका सस्पेंशन को लॉक कर दो एंड राइडिंग करो, आपकी जो एनर्जी होगी वो सेव हो जाएगी। द हैंडल बार दैट यू गेट विद दिस बाइसाइकिल इज 700 mm एंड इट इज काइंड ऑफ वाइड एनफ। ऑन द हैंडल बार यू गेट द हाइब्रिड ग्रिप्स। नाउ ये वाली चीज़ मैं थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी कहना चाहता हूँ, बिकॉज कई जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें हाइब्रिड ग्रिप चाहिए, एंड कई कहते हैं माउंटेन बाइक चाहिए। मुझे माउंटेन बाइक स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन जो मैंने मेजॉरिटी देखी 80% ऑफ ऑडियंस देखी है वो रोड राइडिंग ही करती है, एंड उनको हाइब्रिड ग्रिप ज़्यादा पसंद आती है। वॉट इज द डिफरेंस इन बिटवीन अ हाइब्रिड ग्रिप एंड अ माउंटेन बाइक ग्रिप? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, ये आपकी जो पाम होती है ना, अब जैसे इस पर लगाएंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। To enhance the look of the bicycle, you also get black bolts on the bottle holder. यहाँ पर मुझे बहुत ही मजेदार सी चीज़ लगी, यहाँ पर सीड लैम्प जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाइंग था। एक बार इसकी आवाज़ सुनना, जिसका टर्निंग मोशन था मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। The tires that you get with this bicycle, these were branded as Billy Goat. मैंने कभी इस कंपनी का नाम सुना नहीं था, but then I noticed one thing. मुझे अचानक से यहाँ पे Wanda का साइन दिखा, and then I thought maybe ये टायर सोर से अलग है. Then I did some research and मैंने यहाँ पर भी देखा नीचे, तो यहाँ पर Compass लिखा हुआ था. Compass is like a premium brand of Wanda. This is exactly same as जैसे Toyota होता है versus Lexus होता है, तो Toyota का जो premium brand है वो Lexus है. Exactly जो Compass series है वो Wanda का थोड़ा सा premium version है. The best thing that I find about this bicycle is that इसमें जो bolts है ना यहाँ पर, and especially head stem पे या सेंटर में, सारे 5 mm के एलन की से खुल जाते हैं। अब आप बोलेंगे फर्क क्या पड़ता है, कहीं 4 से खुलते हैं कहीं 5 से खुलते हैं। फर्क ये पता है, आपने एक एलन की ली, इसको टाइट किया, इसी से इसी एलन की को टाइट कर दिया, फिर गए हम फिर हैंडल बार को टाइट कर दिया, तो काफी ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। यू ऑल्सो गेट क्विक रिलीज इन द फ्रंट, दैट मींस आप इसको टायर को खोल सकते हैं एंड अपनी गाड़ी में इजिली डाल सकते हैं। अब आप लोगों के काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते होंगे माइंड में कि स्नाइपर से बेटर है कि नहीं, ये वाइपर से बेटर है कि नहीं। वेल आई वुड टेल यू, स्नाइपर से अबव आती है एंड वाइपर के नीचे आती है, सो इन दोनों के बीच में साइकिल आती है। एंड दिस इज द थिंग विद फिटअप, उन्होंने बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया मार्केट को, इतनी साइकिल उन्होंने निकाल दिया, स्नाइपर आ गई, वाइपर आ गई, ये स्कैल्पेल हो गई, देन फॉक्स S290 आ गई, इतनी सारी उन्होंने मॉडल निकाल दिया कि बंदा ही कंफ्यूज हो जाए कि उन्होंने साइकिल कौन सी लेनी है। मुझे लगता है दे आर एग्जैक्टली प्लेइंग सेम एज DJI, जैसे DJI के काफी ड्रोन्स आते हैं, मैविक आ गया, मैविक एयर आ गया, मैविक एयर 2 आ गया, मैविक प्रो आ गया, बंदा कंफ्यूज है कौन से में कौन सा है लेना, उसको लास्ट में DJI ही पड़े। एंड आई थिंक फिटर भी सेम चीज ही कर रही है। अब आसपास अब कितना भी देख लो मार्केट में काफी फिटर्स हो गए हैं, अब लोगों के पास चॉइस ही क्या बचेगी, वाइपर स्नाइपर। इवन मैं भी कंफ्यूज हो गया कि कौन सी साइकिल ज्यादा बेटर है, कौन सी मैं रिकमेंड करूं। विल यू कैन आल्सो नोटिस द ग्राफिक्स ऑफ दिस बाइसाइकिल,
अब आप लोग पूछेंगे इसमें कौन कौन से वर्जन आते हैं, कौन कौन से टायर साइज आते हैं। सो लेट मी टेल यू, इसमें दो टायर साइज आते हैं। एक आता है 27.5 जो कि आजकल स्टैंडर्ड हो चुका है, एंड एक आता है 29 जो मेरे पास यहाँ पर वर्जन है। अब 29 में तीन कलर ऑप्शन आते हैं, ब्लू ऑरेंज आता है, ग्रीन आता है एंड ब्लू रेड आता है। एंड जो 27.5 है उसमें ब्लू ऑरेंज एंड ब्लू रेड आता है। एज यू नो दिस चैनल इज अनबायस्ड, सो मैं साइकिल की डिसएडवांटेज भी बताने वाला हूँ। एंड यू माइट ऑल्सो बी शॉक कि दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। अगर कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो आती है तो नीचे आपको पेड कोलैबोरेशन का टैग मिल जाता है। द फर्स्ट डिसएडवांटेज दैट आई फाउंड वाज दिस स्टैंड। इसका इतना कंसिस्टेंट स्टैंड नहीं, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, अब इसको थोड़ा सा आगे करेंगे ये फॉल करना स्टार्ट कर जाती है। अबे हो जा यार, पहले हो रही थी अपनी हो रही, हद है, वीडियो बना फॉल नहीं होगी, हो जा। ओके सो इसका जो स्टैंड है ना एग्जैक्टली बहुत जाके बाहर नहीं आता है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे या ठीक से पार्क करेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा। सेकंड जो डिसएडवांटेज लगी मुझे इसकी सीट लगी, दिस इज स्टेप एज अ स्नाइपर। मेरे बम्स को उस टाइम भी सूट नहीं करी थी, इस टाइम भी सूट नहीं करी है। मुझे सॉफ्ट सीट ज्यादा पसंद आती है। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपके बम्स को ये वाली सीट सूट करी या नहीं। एंड स्पेशली पता है बेस्ट चीज क्या लग रही है, जब इसके टायर रोटेट हो रहे हैं ना तो वो लुक्स बड़ी अच्छी आ रही है, वाइट प्रिंटिंग की आती है ऐसी। तो देयर इज अ सब्सक्राइबर जो यहां पे मिले हैं मुझे अचानक से, बिग फैन, अरे थैंक यू सो मच, वीडियोस मिलते हैं, नाइस टू मीट यू। हां फॉर श्योर भाई, और कैसे बादल फटने को हो रहे हैं यहां पर। अरे मेरे पापा का कॉल आ गया, इसकी मम्मी का अभी भी कॉल आया कि बारिश हो रही है बहुत तेज, यहाँ हम देखने पूरा सूखा पड़ा हुआ है। दिल्ली और गुड़गांव का हमेशा अलग रहता है। मुझे एक टेक्निक पता है जो मैं आपको वीडियो के थोड़ी से देर बाद में बताऊंगा, उससे क्या होता है मल्टीपल गियर में एक साथ शिफ्ट कर देता हूँ एंड मेरी चेन की लाइफ भी ठीक रहती है एंड मेरे गियर्स की लाइफ भी ठीक रहती है। पीछे एक वो बंदा बिना साइकिल के, साइकिल का उसकी सब रैक है, दो गाड़ियाँ गई है खाली रैक के साथ, अंदर बंदे भरे हुए हैं भाई। साइकिल का तुम्हारी झाड़ी टकरा गया या बियर की स्मेल आई ना, इसने जमीन पर फेंकी हुई फ्रंट एंड, शायद इसी वजह से साइकिल की लुक्स काफ़ी ज़्यादा बेटर आती हैं। ओ भाई 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 भाई, मेरे को टन टन आवाज आ रही थी। कैमरा अच्छा खासा आ रहा था, यहाँ आके पोज बनाने लग गया। रेस काम कर रही है, अच्छा मैंने ज्यादा पावर लगा दी, इसका मतलब साइकिल भाग रही है। मेरे कैमरामैन ने अभी बताया कि उससे साइकिल ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी, तो उसके पास इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल है एंड अभी मैं भगा के लेके सबको ओवरटेक कर गया। आई गेस इसमें रोलिंग बहुत अच्छी है, ये रीजन हो सकता है। ये सच में टेस्ट ड्राइव लेनी चाहिए आप लोगों को इसकी। फिर जान निकल गई, अब फिर मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पर एक और अपील थी डूड। अभी तो मेरी लातों में जान आ चुकी है, ये साइकिल अच्छी है, मैं जंप करूँगा थोड़ा आगे कर दे। हैं तेरी चेन उतर गई, दे दे कैमरा दे, ये देखो कैमरा निकल के चेन उतर गई है। कैमरामैन पीछे रह गया, फोन गिरेगा ऐसे। नाउ लेट्स सी क्या ये बाइसाइकिल व्हीली कर सकती है या नहीं। अचानक से बारिश आ गई है, डूड वी हैव टू वेट, रख दे गाड़ी में रख दे। बारिश, अरे शिट माइक, उतरी, शिट। एंड विद दिस रेन आई गेस दिस इज टाइम टू एंड द वीडियो। अच्छा खासा हम व्हीली टेस्ट करने वाले थे, नहीं कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बहुत तेज हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा लाइव आता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। दिस इज फैट बेकर साइनिंग ऑफ।